तो बच्चा अब करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन, और कह रहा है कि सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज इतना, फाइंड द नंबर। तो बच्चों सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो बच्चों एक होगा अगर मैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 कर दूँ, ठीक है। एयर कह रहा है द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल मतलब 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/15, ठीक है, फाइंड द नंबर। अब ध्यान से देखियो बच्चों, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है ऐसा कुछ होता तो मैं इसका आंसर निकाल सकता था। देखो अगर मैं एक फर्स्ट नंबर को अगर मैं एक्स लेता हूँ, तो जो मेरा सेकंड नंबर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, अभी इससे प्रीवियस हमने किया था, तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स। तो देखो इसको ना मैं इस पे सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखो ये इससे मेरा क्वाड्रेटिक बन सकती है, इससे तो बन ही नहीं सकती। देखिए अगर मैं इस पे करता हूँ तो 8 इक्वल्स टू 8 ही आ जाने वाला है, देख लीजिए। अगर मैं एक्स को मैं एक्स रखूँ और इसको मैं कर दूँ प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8, तो देखिए ये तो कट गया, 8 इक्वल्स टू 8 आ रहा है, ये तो नहीं चाहिए मुझको। तो भाई मुझे ये वाला जो भी है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इसका मतलब। तो 1/x माइनस वाई की जगह मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस एक्स, है ना, 1/8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/15। बच्चों मैं एलसीएम लेता हूँ इसका, तो ये आ जाने वाला है 8 माइनस एक्स और एक्स, ठीक है, एक्स से एक्स छुपा है, 8 माइनस एक्स ऊपर आ गया, 8 माइनस एक्स सॉरी, और यहाँ पे 8 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स को छुपाया तो यहाँ पे ऊपर आ गया माइनस एक्स, ठीक है जी, 2/15। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करता हूँ बच्चों। तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस एक्स माइनस एक्स अपॉन 8 माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे एक्स भी था, इक्वल्स टू 2/15। तो मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ, देखिए तो ये हो जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 एक्स, एक्स और एक्स माइनस एक्स हो जाएगा 2x/8 माइनस एक्स, और फिर एक्स इक्वल्स टू 2/15। इन दोनों में से बच्चों मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 से काट दूंगा ना इसको, 2 कॉमन ले लेता हूँ ऊपर वाले में से। तो देखिए हो जाएगा 2 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा बच्चों 8x-x² / 15। देखो 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों 4-x(15) इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 था, इसको इधर फेंकूँ तो 8x-x², है ना, सिंपल है बच्चों। हाँ तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 15 × 2 होता है 30, तो 4 हो जाएगा 60-15x = 8x-x², ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं काम करते हैं, इस पूरे को उठा के इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x² - 8x - 15x + 60 = 0, राइट। अभी हो जाएगा बच्चों x² - ये हो जाएगा x² - 23x + 60 = 0। तो देखो ये मेरे पे क्वाड्रेटिक बन चुकी है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे, ठीक है, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, 60 है, 60 के फैक्टर्स निकालता हूँ, 2 3 जा 3 1 जा, फिर 5 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, मेरे को -23 चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस करके। तो मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए, फाइव 2 जा 10 और 10 2 जा 20, 20 और ये 3, तो 20 और 3 इसके दो फैक्टर आ गए, 20 और 3। देखिए -20 और -3 करूँगा तो -23 आ रहा है, और -20 × -3 करूँगा तो +60 आ रहा है, सिंपल है बच्चों, हो गया ये सॉल्व। तो हो जाएगा x² - 20x - 3x + 60 = 0, यहीं पर। तो ये हो जाएगा बच्चों, इन दोनों में x कॉमन होगा, x-20, यहाँ मैं 3 कॉमन लेता हूँ, -3, तो ये हो जाएगा x-20। तो देखो x की वैल्यू आई बच्चों एक बार 3 और एक बार x की वैल्यू आई 20। तो बच्चों ये मेरे पे दो नंबर्स हो गए, है ना, तो एक बार x की वैल्यू 3 आई और एक बार x की वैल्यू 20 आई। तो मेरे को x और y की नंबर वैल्यू निकालनी है, तो मैं उसको निकाल लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो एक बार x आया बच्चों मेरे पे 3 और एक बार x आया मेरे पे 20, है ना। तो पीछे चलता हूँ, तो देखिए
एक बार अगर मेरे पे एक्स है तो यहाँ पे देखो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8 था ना, और दूसरे वाले में था 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y इक्वल्स टू 2/15। या फिर मैं इसी को रख लेता हूँ सिंपल, इसको क्या करना है ना, एक्स वाई की वैल्यू तो चाहिए, ये तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसी पे रख लेता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको 3 रखता हूँ, 3 प्लस y इक्वल्स टू 8, तो एक्स वाई कितना आ जाने वाला है इस पे बच्चों, 4 5 6 7 8, तो y आ जाएगा मेरे पे 5। और अगर मैं यहीं पर रखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो देखिए अगर मैं एक्स रखता हूँ बच्चों कितना, 20 प्लस y इक्वल्स टू 8, तो y कितना आ जाने वाला है बच्चों मेरे पे कितना, तो देखिए y आ जाएगा मेरे पे -12 है ना। तो अगर x मेरे पे अगर 20 है तो y आ जाएगा मेरे पे -12। ठीक है जी। और कभी ऐसा हो सकता है, देख ध्यान से देखिए, कि x प्लस वाई की वैल्यू 8 है और दोनों की वैल्यू ही 8 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 20 आ गई, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ये नॉट पॉसिबल है। तो देखिए ये मैंने जानबूझ के इसलिए कराया ताकि आपको ये पता चले कि भाई ये देखिए ना, आप मैंने जानबूझ के इसलिए कराया ताकि आपको पता चले कि भाई इन दोनों का सम जब 8 है तो ये एक्स की वैल्यू तो 20 आ ही नहीं सकती यहाँ पर, है ना। तो बस बच्चों यही होगा कि एक्स अगर मैं 3 है तो वाई मेरे पे 5 होगा, तो यही मेरा आंसर है।